के सब हिंदू भाइयों को एडवांस में हो तो इनका मतलब यही है कि सब हिंदू भाइयों को एडवांस में हैप्पी होली। आज गली गली अवध सजाएंगे। तो राम राम गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं हमारे एक कम्युनिटी का जो बिल्कुल गरीब हिंदू है उसके घर जा रहे हैं, और हमारे साथ जो है छोटे छोटे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। हमने तो होली सेलिब्रेट करनी है, लेकिन हमारे सनातनी भाई जो हैं अगर सब होली ना सेलिब्रेट करें तो फिर हमारा जो है वो होली सेलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो आज हम लोग जाएंगे, उनके लिए थोड़े से गिफ्ट लाए हैं वो भी दिखाएंगे, और उनके माता पिता की जितनी हो सके हम मदद करेंगे, सहायता करेंगे जितनी हो सके हम लोगों से। तो अब आप लोगों को वहाँ के व्यू चल के दिखाते हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनका क्या लाइफ स्टाइल है, और होली की किस तरह से उन लोगों ने तैयार। राम राम। जय श्री राम। आपका नाम क्या बेटा? लक्ष्मी। राम राम। आपका नाम क्या है? ये सागर राम। तो अब मुझे ये बताओ, आप हमारे साथ सब चलोगे ना वहाँ उनको होली? तो बोलो हर हर महादेव। तो गाइस ये देखो, कुछ ये इस तरह से ये सामान लेके रखा हुआ है, ये खिलौने हैं बच्चों के लिए जो हमने वहाँ जाके देने, और ये जो है चॉकलेट्स है, और ये कुछ नारियल के बिस्किट बने हुए तो बच्चों में बांटने हैं, और ये होली के रंगों के लिए जो गुब्बारे थे वो लिए हम लोगों ने उनको देने हैं। तो अब चल के वहाँ का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरू आरू राम चले वहाँ चले आरू। तो ये गाइस आप लोग देख सकते हो, हम सब जो है बच्चों के साथ जा रहे हैं, और वहाँ चल के वहाँ के व्यू भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो एक छापर में जो है हमने जितनी भी वो सामान लेके आए थे वो इकट्ठे कर लिए, वहाँ बच्चों को बांटेंगे, और आप लोगों ने देखना हमारे यहाँ का जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना यही उन लोगों को सामान देंगे। तो गाइस आप लोग देख, एक घर बना था तो उनसे भी आप लोगों को मिलवाएंगे कि उनकी जो है वो यीशु मसीह बने हैं, तो उनको कोई सहायता वगैरह की है उन लोगों ने, ये क्या है था, तो वो भी हमारा सनातनी भाई। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों ने देखनी है। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है हम लोग जा रहे हैं, उन लोगों को होली के कुछ गिफ्ट वगैरह भी देंगे, और ये बच्चे भी आ रहे हैं, और ये आपका भाई जा रहा है। तो हम लोग बहुत आज एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोगों ने आज होली सेलिब्रेट करनी है, वो भी हमारे पंडित के घर और जितने भी हमारे हिंदू कम्युनिटी के घर हैं वहाँ, तो उन सब से आपको मिलवाएंगे भी। तो वहाँ चल के वहाँ का व्यू आप लोगों से शेयर करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो है हमारे हिंदू भाइयों के घर हैं, बहुत दूर दूर देख लो, काफ़ी दूर दूर ऊंचे ऊंचे टीलों पे जो है इस तरह से उनके घर होते हैं, रियल हिंदू है। इन लोगों का गांव भी आप लोगों से विज़िट कराएंगे, और बच्चों के साथ हम होली भी सेलिब्रेट करेंगे एडवांस में। तो गाइस इस तरह से इन लोगों ने जो है अपने पास में खेतों में सब्जी वगैरह उगाई हुई है, हमारे यहाँ इसको प्याज बोलते हैं। तो गाइस इस तरह से कुछ हमारे यहाँ सरसों के खेत होते हैं, जो सरसों जिसका ऑयल बनाता है वो, ये इस तरह से सरसों के खेत उगे हुए हैं, और ये जो है ये बकरियों के लिए घास वगैरह जो है, और पास में गेहूं के खेत हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो बच्चों में कितनी एक्साइटमेंट है, और भाग भाग के ऊपर जा रहे हैं। तो वो संत जो बैठे हुए हैं महाराज गुलू राम, और उनका एक छोटा सा डागी है वो भी भागा तेज से वापस, बच्चे जो है मेरी तरफ आ गए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इस तरह से कुछ बैठने का जरिया बनाया हुआ है, छांव वगैरह। तो चल के भगत से मिलवाते हैं आप लोगों को। राम राम भगत जी। जय श्री राम। जय श्री राम। भगत जी आपका नाम क्या है? गुल्लू जी। ये हैं गुल्लू राम, और इनका जो है वो घर भी आप लोगों को विजिट करवाते हैं। तो होली की कैसी आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है होली की आप? हाँ बहुत फुल सोनी बना रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा। तो जितनी फुर्सत है इन लोगों में उस तरह से अपना घर भी बनाया हुआ है, और जितना हो सकता है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भगत साहब अब थोड़ा सा अपना घर भी विज़िट कराइए, और जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हो होली सेलिब्रेट करते हो वो भी हमारे जो व्यूवर हैं उनको दिखाइए। नवासा है। अच्छा इसका नाम क्या है? पवन जी। पवन राम। इसका नाम क्या है? पवन राम। हाँ पवन राम। जय श्री राम। तो चलिए गाइस आपको हम भगत जी का घर विज़िट करवाते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये बच्चे और भगत साहब जो खुद वो जा रहे हैं, तो ये उन महाराज की जो है धर्मपत्नी है। राम राम। राम राम। आपका नाम क्या है, शुभ नेम क्या है? ये पठानी। पठानी माई। अच्छा ये पठानी माई है। तो होली की किस तरह से आपको खुशियाँ, मतलब आपने होली सेलिब्रेट करनी है, खुशी शोरे करनी है। अच्छा तो ये देखो इनकी एक्साइटमेंट देख सकते हो आप, गरीब भले ही हैं लेकिन ये होली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो ये जो
आप ऐसा बोलो कि सब हिंदू भाइयों को एडवांस में हैप्पी होली, कि सब हिंदू भाइयों को एडवांस में होली। तो इनका मतलब यही है कि सब हिंदू भाइयों को एडवांस में हैप्पी होली। तो ये एक भगत का जो कमरा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और दो इन्होंने कमरे बनाए हुए हैं, और ये इनके जानवर वगैरह जो होते हैं वो यहाँ बांधते हैं। तो ये महाराज की जो है वो बाइक खड़ी हुई, ऐसे ना महाराज जी। तो ये इनका घर है। तो जिस तरह से मतलब रंग वगैरह लाने की हिम्मत नहीं थी, तो इन लोगों ने अपने मिट्टी से ही फूल शूल बना लिए, ये देख सकते हो। और ये इनका जो किचन है, ये इनका जो है स्वीट सा किचन है। अभी यहाँ हमारे लिए ये चाय वगैरह बना रहे हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा जो हिंदू कल्चर है। ये देखो, ये इन्होंने अपना आंगन जो है वो इस तरह से सवारा हुआ है। और ये भगत साहब हैं। तो गाइस, ये कुछ हम लोग जो है ना बच्चों के लिए चाय लेके आए थे हमारी तरफ से। तो ये इनको बच्चों को जो है हैप्पी होली के एडवांस में इन लोगों को सेलिब्रेशन करवाते हैं, इनको थोड़ी सी चाय वगैरह देते हैं। इसको भी दो, तू ले लो बाबा। तो अच्छा, आप हमने सुना था कि कुछ जो है पहले क्रिश्चियन यहाँ आए थे, वो मतलब कि कहते थे कि यानी कि धर्म चेंज करो तो हम आपकी सहायता वगैरह करेंगे। तो सुना था आप लोगों से मिले थे, उन लोगों ने क्या बोला था आपको और क्या हुआ था, ज़रा इसके बारे में बताइए। यार, उसने बोला था भैया आपके साथ मेरे हो जाओ जी, ते हम ते तो थोड़ी मदद करेगा। हाँ, फिर वो तो चार बारी आए तो फिर नहीं आए, दोबारा नहीं आए, वापस इधर कोई शह ना दिया आए थे। हाँ, उसने वापस वो आए नहीं, पता नहीं केड़े पासे गए थे, केड़े पासे गए। उसके साथ मनु रहता था जी जी, ते वो कृष्णा नहीं आए, फिर नहीं आए, दोबारा नहीं आए। हाँ, तो इस चीज़ों को ना, जो हमारा सनातन धर्म है ये सबसे बेस्ट धर्म है, और इस धर्म में जो हमारा कल्याण होता है। तो आपको अगर कोई भी इस तरह से वो कहे ना, तो उनकी बातों पर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है, अपने सनातन धर्म पे डट के रहना है। भगवान ने चाहा तो हम सबके एक दिन अच्छे दिन आएंगे, कोई बात नहीं। गरीबती अमीरती है जो वक्त के साथ बदल जाती है, आती जाती रहती है। तो हमेशा हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे ऊपर है और ऊपर रहेगा, इसको ही हमने मानना है। तो बोलो राम राम। हमें वो कहा राम राम। तो आप लोग देख सकते हो ये होली को जो है वो अभी सेलिब्रेट करेंगे, वो भी वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो ये एडवांस में हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया था। तो बच्चों, कैसा फील हो रहा है आप लोगों को होली का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने होली मनानी है ना? हाँ। तो एक डायलॉग हो जाए, बुरा ना मानो होली है सब मिलकर। हाँ, तो इसी तरह से हम जो है रंग वगैरह भी लाएंगे, जो शॉपिंग करेंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो एक हमारा आगे और हिंदू घर है, वहाँ चल के उनको भी विजिट कराते हैं। तो चलिए, वो आपका दीदी का घर है ना महाराज जी, चलिए वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ से थोड़ा सा। तो ये देखो, ये गाइस अपने बच्चे जो है, इन घर के छोटे छोटे दो बच्चे हैं, और इन लोगों को हमने दे दिए जो भी सामान वगैरह लाए थे। तो ये आज एडवांस में हैप्पी होली की तैयारियाँ जो चल रही हैं और ये लोग मना रहे हैं। तो गाइस ये देखो, ये हमारा छोटू सा प्यारा सा एक और नन्ना सा बॉय, हिंदू बॉय। जय श्री राम बेटा। तो गाइस, अब हम जो है ना भगत की सिस्टर के घर जा रहे हैं, और वहाँ का चल के व्यू देते हैं आप लोगों को, और उनसे भी मिलवाते हैं इन लोगों ने होली की तैयारियों में क्या कुछ किया है या क्या नहीं किया है, तो वो भी चल के आप लोगों को विज़िट कराते हैं। तो ये महाराज जी की सिस्टर जो है वो वहाँ बैठी हुई, चल के उनसे भी मिलते हैं। चलिए महाराज जी। तो राम राम माता जी। राम राम। राम राम माता जी। श्री राम, श्री राम। हाँ, तो कैसा फील हो रहा है आप लोगों को, होली का त्यौहार आने वाला है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कोई तैयारियां वगैरह की है होली की? तैयारियां हो रही हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ये कौन है? पोता है ये, इनका छोटा सा पोता है। राम राम। राम राम। हाँ, आपका नाम क्या है? अजय। लखू राम है ये। तो गाइस, ये लखू राम है जो अभी अपने नाक को खुजा रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। इन लोगों का ये घर है, और वो छोटा सा अपना किचन बनाया हुआ है, और यहाँ जो है मंदिर भी है, वो देख सकते हो जिस तरह से हमारे हिंदू भाई रहते हैं, और जो इनका रहन सहन का तरीका है वो आप देख सकते हो गाइस। तो बस हमें तो इन लोगों की खुशियों में ही अपने दिल को बहुत खुशी मिलती है। तो ये मंदिर है, और ये कुछ इस तरह का यहाँ का जो है व्यू है। एक वो घर भी है, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ भी आप लोगों को चल के वो घर भी विज़िट करवाएंगे। राम राम भाई। आपका नाम क्या है? तेजा जी। ये है तेजा राम, जो अभी जा रहा है घर से बाहर होली की शॉपिंग वगैरह करने।
तो कैसा फील हो रहा है आपको होली आने वाली है? तो मैं तो फील बहुत अच्छा हो रहा है। कोई तैयारियां वगैरह की है होली के लिए या बस? तैयारियां ये जो बाल बच्चे सब हमारे मेरे ही हैं जी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो गाइस इनके लिए जो थोड़े से गिफ्ट लाए थे वो बच्चों को हम लोग बांट रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और बच्चे जो ये इसको दे जो रो रही है, ये लो। तो ये बच्चे जो रो रहे हैं, तो अभी कुछ तैयार हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। तो अभी जो है कल होली है, तो जब होली सेलिब्रेट करेंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमारे हिंदू भाई जो हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, इनका क्या रहन सहन का तरीका। राम राम गाइस, आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। और नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, उनके भी कुछ शॉर्ट्स हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए हैं। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। चल चल, अभी अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, उन लोगों से चल के आप लोगों को मिलवाते हैं। खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समय।